मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर यूपी चुनाव को लेकर खासी चर्चा हो रही है। मानो पूरे देश का ध्यान फिलहाल यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर ही बना है। ऐसे में 29 जनवरी को टीवी 9 भारतवर्ष ने एम फैक्टर नामक एक खास कार्यक्रम प्रसारित किया था, जिसमें रिपोर्टर ने बिजनौर के स्थानीय मुस्लिम वोटर से बात की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस ब्रॉडकास्ट का 47 सेकंड का एक वीडियो क्लिप ट्वीट किया। वीडियो में एक मुस्लिम महिला भाजपा और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है। चैनल ने इस महिला को नूरपुर की मुस्लिम वोटर बताया। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। इन वीडियोस को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। प्रसारण के दौरान टीवी 9 ने 11 मुस्लिम लोगों से बातचीत की थी, जिसमें से 10 लोगों ने भाजपा का समर्थन किया। टीवी 9 के मैनेजिंग एडिटर संत प्रसाद राय ने भी संबित पात्रा के ट्वीट को कोट्वीट करते हुए रिपोर्टर श्रीनिवास की सराहना की। टीवी 9 भारतवर्ष के वीडियो में 8 मिनट 45 सेकंड पर रिपोर्टर अलीशा सिद्दीकी नामक एक महिला का इंटरव्यू लेते हैं। अलीशा की पहचान मुस्लिम वोटर के रूप में की गई है, लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस महिला के बारे में सर्च किया तो हमें मालूम चला कि ये भाजपा से जुड़ी हुई है। फेसबुक पर अलीशा के कई पोस्टर्स हैं जिनमें उन्हें भाजपा सदस्य बताया गया है। 7 मिनट 5 सेकंड पर रिपोर्टर एक मुस्लिम व्यक्ति से बातचीत करता है। पहले आप वीडियो का ये हिस्सा देख लीजिए। नफरत को मोहब्बत से बदलना है। नफरत को मोहब्बत से बदलना है। तो इसके लिए कौन है? भैया सीपी सिंह है, जरा सामने तो हमारे सीपी सिंह कौन है? हमारे जो विधायक कैंडिडेट है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो है कैंडिडेट है। आपको भी, आप भी भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले हैं क्या जी? भाजपा ही है आप लोग? नहीं, इस वक्त भाजपा। तो जैसा कि आपने देखा, रिपोर्टर के पूछे जाने पर ये व्यक्ति खुद बताता है कि वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। ऑल्ट न्यूज ने स्थानीय पत्रकार नरेंद्र प्रताप से बात की, जिन्होंने इस वीडियो में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने में हमारी मदद की। 14 मिनट 36 सेकंड पर मुस्लिम वोटर अमजद अली अंसारी के बारे में नरेंद्र ने हमें बताया कि ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के जिला नेता है। भाजपा के एक राजनीतिक पोस्टर में भी अमजद अली अंसारी की तस्वीर है। प्रसारण में 16 मिनट 12 सेकंड पर रिपोर्टर ने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, लेकिन बाकियों की तरह चैनल ने इनका नाम नहीं बताया है और सिर्फ मुस्लिम वोटर के रूप में इनकी पहचान की गई। नरेंद्र प्रताप ने हमें बताया कि ये व्यक्ति जावेद मुल्तानी है। उन्होंने हमें भाजपा का एक पोस्टर भी भेजा जिसमें जावेद मुल्तानी की तस्वीर है। पोस्टर में दाई ओर जावेद मुल्तानी है, जबकि बाई ओर बीजेपी धामपुर के विधायक अशोक राणा है। फेसबुक पर कीवर्ड सर्च करने पर हमें जावेद मुल्तानी का अकाउंट मिला। उनके प्रोफाइल इमेज में ये पोस्टर है। नरेंद्र प्रताप ने जावेद मुल्तानी की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ की एक सेल्फी भी हमें भेजी। ब्रॉडकास्ट में 17 मिनट 18 सेकंड पर दाऊद अली का इंटरव्यू लिया गया है। नरेंद्र प्रताप ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि ये भाजपा विधायक अशोक राणा के बॉडीगार्ड हैं। ऑल्ट न्यूज ने अशोक राणा से बात की, जिन्होंने इस दावे का खंडन करते हुए कहा दाऊद अली और वो लंबे समय से सहयोगी है, वो भाजपा से जुड़ी सभी बैठकों में मौजूद रहते हैं। हमने दाऊद अली से भी बात की, जिन्होंने बताया कि इंटरव्यू में ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप से भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा के जिला अल्पसंख्यक नेता अली अंसारी के इंटरव्यू से ठीक पहले 13 मिनट 56 सेकंड पर टीवी 9 ने नजाकत हुसैन से बात की थी और आगे 15 मिनट 17 सेकंड पर रिपोर्टर ने मोहम्मद मुबीन से बात की। अली अंसारी ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि नजाकत हुसैन और मोहम्मद मुबीन भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी आधिकारिक पद पर कार्यरत नहीं है। प्रसारण के दौरान टीवी 9 ने 3 और मुस्लिम लोगों का इंटरव्यू लिया था, लेकिन ऑल्ट न्यूज उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया। जांच के दौरान ऑल्ट न्यूज ने पाया कि चैनल ने जिन 11 मुस्लिम वोटर्स से बात की, उनमें से कम 7 लोग भाजपा के सदस्य या कार्यकर्ता है। टीवी 9 भारतवर्ष ने इन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा का समर्थन करने वाली सामान्य मुस्लिम जनता के रूप में पेश किया, जो कि पूरी तरह से भ्रामक है। ऑल्ट न्यूज ने टीवी 9 भारतवर्ष से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक उनका कोई जवाब नहीं आया है।